शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में हुई धुआंधार बारिश से मध्य रेल अस्पताल में पानी आने से रेल अस्पताल के कई मरीजों को काफी परेशानी हुई। हबीब खान, इन्होंने मध्य रेल अस्पताल की कई खामियां गिनाई है। मध्य रेल मंडल परिसर स्थित रेल अस्पताल में पानी घुसाया, महिला वार्ड, डिलीवरी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड और वेटिंग रूम लबालब हो गए। रोगियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। तेज बारिश होने पर हर साल यहां ऐसे ही हालात बन जाते हैं। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने इस मामले में नाराजगी जताई है। कार्यकारी अध्यक्ष हबीब खान ने कहा कि कोविड 19 के बीच अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं हो, प्राथमिकता के आधार पर निधि व्यय की जानी चाहिए। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में दवा का भंडारण किया जाता है, यहाँ ज्यादा पानी जमा होता है, सारी दवाएं पानी में समा जाएंगी, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में ही तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ऐसी कई मांग करते हुए मध्य रेल अस्पताल में जारी कई खामियां भी उन्होंने गिनाई। आइए सुनते हैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हबीब खान, इनकी जुबानी। दर्शकों, यूं तो नागपुर कई बातों के लिए विशेषताओं से काफ़ी परिचित है। उन्हीं में से एक विशेषता है कि नागपुर में जिस तरह से मध्य रेल, जो बड़ा एक ऐसा रेलवे का स्टेशन है, उस स्टेशन के जो कर्मचारी है उन लोगों की सेवा देने के लिए या लॉकडाउन में यदि या कोरोना का संक्रमण यदि कुछ बढ़ता है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए मध्य रेल का बहुत बड़ा अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अफसोस कि आए दिन जिस तरह से बेमौसम बारिश से यातायात पूरी प्रभावित हुई है और बेमौसम बारिश अब की बार सीधा उसने दस्तक दी है मध्य रेल के उस अस्पताल में जहां पर पेशेंट बेड पर खड़े हैं और पानी नीचे से बह रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम सब जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में नेशनल मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हबीब खान हमारे साथ में। हबीब जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है मध्य रेल के उस अस्पताल में, जो पानी जो घुसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन? इसके लिए प्रशासन के रेलवे हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके लिए जवाबदार है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसके लिए जवाबदार है। क्योंकि हम बारिश के मौसम में अपने घर की कैसी सुरक्षा करते हैं, हमें लगता है कि बारिश जोरदार होगी तो हमें उसका रक्षा कैसी करना है, परिवार की सुरक्षा किस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे इनके जो भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अधिकारी है, इसके बारे में इनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। अगर चिंता हुई होती तो पेशेंट जो, अगर आज पेशेंट है तो रेलवे हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल है तो डॉक्टर है, लेकिन जिन कर्मचारियों के बदौलत आज हॉस्पिटल चल रहा है उस कर्मचारी के, रेल परिवार के कर्मचारियों की इस तरीके की हालत दर्दनीय है। हमें बड़ा खेद है, हम बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि हमारा 17-18 करोड़ हॉस्पिटल के टाइप में जाता, मेरी 50-60 करोड़ रुपये रेलवे हॉस्पिटल पे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर रही है। लेकिन उसकी दशा ये है, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर है, बहुत बढ़िया ओटी बनी है, उसके बावजूद भी हमारे पेशेंट बाहर क्यों जा रहे हैं? मध्य रेल अस्पताल की जिस प्रकार से जो लचर हालत हुई है उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से काफी गंदा मैला शहर का, बारिश का पानी पूरे अस्पताल में दस्तक दी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पानी वहां पे जमा हुआ है। ऐसे में पेशेंट जो है काफी प्रभावित हुए हैं और अस्पताल प्रशासन के लिए ये एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द मध्य रेल में पानी न घुसे, इसके लिए कुछ ऐसा एहतियातन कदम बरतना उन्हें बेहद जरूरी है। क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।